मध्य प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को अनुदान राशि प्रशंसा पत्र देकर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को अनुदान राशि देकर सम्मानित किया गया। हॉकी के खिलाड़ी विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की राशि व प्रशंसा पत्र दिया गया। जो वही दूसरी ओर तैराकी के माहिर प्राची को अनुभव राशि और प्रशंसा पत्र दिया गया। यह राशि खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। विवेक सागर कहते हैं कि मध्य प्रदेश अब हॉकी में आगे बढ़ रहा है। हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को खेलने को कोई दिक्कत ना हो। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी प्राची ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार खेल के लिए बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ साथ पैरा ओलंपिक के सभी प्लेयर और विक्रम अवार्डी को सम्मान दिया गया। उन्होंने कि ये एक बहुत अच्छा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी सीएम सर को, जिन्होंने एक साथ सभी प्लेयर को लेके आए और उनका सम्मान किया, तो इससे काफी यंगस्टर प्लेयर मोटिवेट होंगे। बहुत अच्छा काम कर रही है, धीरे धीरे जो सम्मानित राशि बढ़ाई गई और लोगों को, जो हमारे पैरा खिलाड़ियों को भी जो सपोर्ट दिया जा रहा है, अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही अगर हमको सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम भी हरियाणा की तरह अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं निकाल, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे पास गांव से निकल के। जैसे आप कपिल परमार को देखें, वो सीहोर के एक छोटे से गाँव से आते हैं और काफी अच्छा उन्होंने किया है, ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, ये हिस्ट्री क्रिएट है। आज तक किसी ने जूडो में मेडल नहीं लिया है, ना ओलंपिक्स में ना पैरालंपिक्स में, भारत के लिए। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसा टैलेंट निकलता है। खेलों के उन्नयन के लिए लगातार कार्य किया और उसका परिणाम हमें देखने को भी मिल रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और बाकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत के खिलाड़ी बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हमारे वो पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनको 1 करोड़ रुपये जो विजेता है उनको प्राइज मनी दी, उनको सम्मान निधि दी, और उसके साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी। और उसके साथ ही हमारे विक्रम अवार्डी वो खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको शासकीय नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।